आप घोटाले में जिस तरीके से अंदर चले गए, वो कह रहे हैं कि इस बार जेल का जवाब वोट से देंगे। बिल्कुल देंगे, सही बात है वो, क्योंकि उनका जब कोई मिल ही नहीं रहा, अगर उनके कोई स्कैम मिल जाए तो हम लोग तो खुद कहेंगे वो गलत चल रहे हैं, उनको कोई स्कैम ही नहीं मिला तो उनको बाहर निकालो ना। एक एजुकेशन आदमी को ऐसे साइड ऑफ कर रखा है और दुमरे खा करके लोगों को गुमराह कर रखा है, ये लोग वो सब देखते हैं, ये पब्लिक फैसला करेगी इस चीज़ के बारे में। 10 साल में जो काम हुए हैं, देश की जो विकास हुआ या नहीं हुआ, जीरो है। जीरो, हाँ। क्या कारण है? बेरोजगारी नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है, उसके बाद में करप्शन के हिसाब से कह रहे हैं तो करप्शन, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जाके देखो तो बहुत सारे करप्शन मिलेंगे। क्या नाम है सर? अशफाक अहमद। अहमद साहब, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, वोटर क्या सोच रहा है इस बार? क्या 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा, पार होगा बीजेपी का, या फिर इंडिया लाइन? फॉल्स बात है। फॉल्स बात है। क्या चल रहा है इस बार, चर्चा क्या चल रही है? वो तो काम ही पता चलेगा बंदे का कि क्या काम किया नहीं किया है। काम वाम हुए 10 सालों में? क्या काम हुए, मोदी सरकार ने काम किया मोटे पार्टी का किया है, छोटे पार्टी का तो कुछ किया नहीं उनने। गरीबों का कोई काम नहीं, वो गरीबों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, अडानी के लिए टाइम है, उनके लिए टाइम है, इन लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। गरीब आदमी क्या कर दिया गरीब आदमी के लिए? 10 में से कितने नंबर दोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल को? 7। ये जो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री हैं आजकल जेल में हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कोई चर्चा है क्या लोगों के बीच में? ये तो एक तरह से दहशत फैला दिया है उनको, अगर काम अगर अच्छा कर रहे थे तो उनको क्यों, क्या मतलब बनता है? अच्छा काम कर रहे थे केजरीवाल, कर रहे थे तभी तो उनको दहशत होगी ना भाई, अगर बाहर रहेगा तो मेरा तो वोट सारा खराब होगा हमारा, इसको अंदर कर, उससे अच्छा भी वोट लाएंगे वो। 100% बात है। यहाँ सिर्फ महाबल मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से कमलजीत सहरावत है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? महाबल मिश्रा का। महाबल मिश्रा, हाँ जी, महाबल मिश्रा या कमलजीत सहरावत? मिश्रा। महाबल मिश्रा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ठीक है। ठीक है, कोई 3 काम ऐसे बताइए बेहतरीन प्रधानमंत्री के। 3 काम बताइए। पता नहीं। क्या नाम है सर आप? मैं जी रिटायर्ड कैप्टन जय सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, जी इंडिया अलायंस और बीजेपी आमने सामने है, बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री 400 पार की बात कर रहे हैं, जी। इंडिया अलायंस कह रही है कि नहीं, पहुंचने नहीं देंगे इस बार इंडिया अलायंस, इसका तो फैसला पब्लिक करेगी साहब, पब्लिक के ऊपर ये बात, हम क्या सोच रही है पब्लिक? आप तो पब्लिक ही हैं। नहीं, हम पब्लिक हैं, लेकिन इसके बारे में तो देखो जब रोज़ाना रुख बदली होता है लोगों का, जैसे जैसे मीडिया में बात जाती है, लोग आवाम देहात में जो बातें जाएंगी उसी के मुताबिक तो काम होगा ना, लोग देखते हैं, जुमलों को भी देखते हैं, सच्चाई को भी देखते हैं, और रियलिटी पढ़े लिखाई को भी देखते हैं। एक एजुकेशन आदमी को ऐसे साइड ऑफ कर रखा है और जुमले खा करके लोगों को गुमराह कर रखा है, इन लोगों को सब देखते हैं, ये पब्लिक फैसला करेगी इस चीज़ के बारे में। इन मुद्दों की चर्चा होती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर भी चर्चा कर रही है। अगर ये जिस दिन इस देश में ये शुरू हो जाएगा, शिक्षा के बजट के ऊपर गवर्नमेंट सोचना शुरू कर देगी, उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। जिस दिन पब्लिक के लिए एजुकेशन के ऊपर बजट में आ जाएगी ना बातें, उस दिन तो फिर वो उधर का काम बंद हो जाएगा। कुछ दिल्ली वाले वोटर मिले थे, वो तो कह रहे थे कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल ने बहुत काम किया, उनको तो अंदर डाल दिया। देखो वो तो राजनीति का मामला है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी उनकी बातें होती हैं उसके बारे में हम क्या बोलें। 10 साल के कार्यकाल को में कितना नंबर देंगे बीजेपी को, 10 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम? हाँ दे, बहुत हैं, 50%। 10 में से 5, 5 नंबर किस चीज़ के काटे? नहीं, काटने का तो देखो वो इंडिविजुअल सोच होती है, खासतौर से एजुकेशन के ऊपर और महंगाई के ऊपर और रोजगार। एजुकेशन, रोजगार और महंगाई के क्षेत्र में सरकार जो है आपके मुताबिक फेल है? बिल्कुल फेल। जो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है कि इस बार 400 पार, क्या लग रहा है वहाँ तक बीजेपी आसानी से पहुँच जाएगी, या यूँ कहें कि नहीं, इंडिया अलायंस इस बार टक्कर में है? इसके बाद के तो देखो अभी दोनों तरफ की बात सुनते हैं और थोड़े दिन की बात है, सच्चाई जब ग्राउंड पर आ जाएंगी जब ही पता लगेगा, उसके बारे में अभी पहले कहना कुछ ठीक है बड़ा साहब। अच्छा ये बता दीजिए कि ये जो प्रधानमंत्री के 10 साल हैं,
10 में से कितने नंबर देंगे कामकाज को? कामकाज को देखिए जो भी है, अब उसमें हम क्या बताएं आपको, हमारे लिए तो ठीक ही है जो भी काम कर रहे हैं, देश के लिए जो कर रहे हैं, बैकवर्ड के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो तबके के लिए काम नहीं है, गरीब ऊपर वाले मुद्दे ठीक हैं? ऊपर वाला मुद्दे के लिए तो फायदा है, बहुत अच्छा काम है, देश के लिए, फौज के लिए। पीछे वाले मुद्दे कौन से? बेरोजगारी, रोजगार, ये सब तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, ऊपर से महंगाई भी इतनी बढ़ी है, क्षेत्रों में जो है काम थोड़ा ढीला रह गया, ढीला हो गया बस। 10 में से कितने नंबर देंगे? किसके? मोदी के लिए? मोदी के लिए तो 8-9 नंबर ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल है, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से किस सेंस में आप नंबर, किस काम, सेंस में ले? काम काज को लेकर 10 साल में जो काम हुए, देश की जो विकास हुआ या नहीं हुआ? जीरो है। जीरो? हाँ। क्या कारण है? बेरोजगारी नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है, उसके बाद हम करप्शन के हिसाब से कह रहे हैं तो करप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड में जाके देखो तो बहुत सारे करप्शन मिलेंगे इस तरह से। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा समझ आ रहा है लोगों को? ये तो मैं तो नहीं कह सकता भी। मैं अगर आएगा तो चुनाव में पता लग जाएगा। वो अगर आएगा तो ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं। नमस्कार आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? गुड, वेरी गुड। आंटी जी, अब चुनाव आ गए हैं देश में, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, इस बार वोटर क्या सोच रहा है? क्या वो 400 पार आसानी से पार हो जाएगा या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस टक्कर दे रहा है? इंडिया अलायंस बेस्ट है। इंडिया अलायंस बेस्ट है। क्या कारण है मोदी सरकार के ये 10 साल के कार्यकाल को, कितने 10 में से कितने नंबर? बेरोजगारी, बिजनेस ठप, कुछ भी नहीं है। और कम से कम इंडियन लाइन्स में राहुल गांधी इस बार मैनिफेस्टो तो अच्छा लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है लोगों? समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। और एक जो ये मतलब आजकल चल रहा है इलेक्ट्रिक बॉन्ड, हमें तो खैर इससे नहीं है ना, लेकिन जो है जो चल रही है इससे अच्छा तो ये है कि इंडियन लाइन्स थोड़ी सरकार चेंज होनी जरूरी है। सरकार को लगातार नहीं करना चाहिए, मतलब हैट्रिक वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी जब तक चेंज नहीं आएगा सरकार का तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। इसलिए सरकार चेंज होनी जरूरी है ताकि पब्लिक को भी कुछ समझ आए और ये देखे कि दूसरी सरकार को भी मौका देना, वो आकर क्या करने, सिर्फ वादे ही दे रहे हैं या कुछ करके भी दिखाएंगे? ये तो नहीं है कि पब्लिक को, और आजकल की जो जनरेशन है जिसको चाहिए ग्रो अप चाहिए, कोई ग्रो अप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं, स्कूलों की पढ़ाइयों का भी इतना नहीं है, फीसें इतनी ज़्यादा हो गई है कि पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है। एक इंसान के कमाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, घर में जितने इंसान हैं ना सब कमाएं तब जाके कुछ थोड़ा चल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा, इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब मुद्दे जो हैं जनता के बीच में पहुंच गए हैं और वोटर चर्चा कर रहा है। डिक्टेटरशिप जो चल रही है इस समय सबसे ज़्यादा, थोड़ी सी ये कम होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप मोदी साहब जो चल रहे हैं सर अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, उनका नज़रिया उस हिसाब से सही है, वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि वो गलत है, उन्होंने भी कुछ सोच के ही किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब ना स्टूडेंट को, जो बच्चे हैं बेरोजगारी में पड़े हुए जिनको नौकरियाँ ही नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियाँ तो ख़त्म ही हो चुकी हैं बिल्कुल। तो ये मुद्दे एड्रेस करने में जो सरकार है वो थोड़ा सा फेल हुई है सरकार ने, कोई अभी तक दिल्ली में तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत चल रहा है, सही चल रही है सरकार, कोई वो नहीं। दिल्ली वाली सरकार है अरविंद केजरीवाल की, शराब घोटाले में जिस तरीके से अंदर चले गए, वो कह रहे हैं कि इस बार जेल का जवाब वोट से देंगे। बिल्कुल देंगे, सही बात है वो, क्योंकि उनका जब कोई मिल ही नहीं रहा, अगर उनके कोई स्कैम मिल जाए तो हम लोग तो खुद कहेंगे वो गलत चल रहे हैं, उनको कोई स्कैम ही नहीं मिला तो उनको बाहर निकालो ना, कम से कम पब्लिक में आए तो वो भी पब्लिक को करे, कम से कम पता तो चले कि वो इसके बाद क्या करना चाहते हैं। जनता की सहानुभूति जो है वो केजरीवाल के साथ? बिल्कुल है, हमारी है। क्या कहेंगे, बीजेपी को बैकफायर करेगा ये केजरीवाल का? आई हैव नो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? जो हो गए हैं या जो आने वाले 10 इयर्स? ठीक है, इश्यूज तो हैं बट हाँ ठीक है, अगर आप बोलें तो ऐसे आई कैन नॉट रेट, बट हाँ कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट भी हुई है, बट हाँ एज शी सेड कि दूसरी उसको चांस देना चाहिए, दैट्स इट, चेंज करते रहनी चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे पहले कांग्रेस सरकार बहुत साल रही तो हर कोई चाहता चेंज हो, ठीक है बीजेपी को भी 10 साल दे दिए देख लिया, अब चेंज चाहिए जरूरी, क्योंकि एक दूसरी सरकार दोबारा देखे ना, राहुल गांधी अगर कांग्रेस आ रही है देश में
तो मैनिफेस्टो बहुत अच्छा लेके आ रही है, हमने पढ़े हैं उसके भी तो। और एक तो लेडीज की सिक्योरिटी नहीं है सबसे ज्यादा। एक बात आपकी अच्छी लगी कि आपने वो जो चुनावी मैनिफेस्टो है वो पढ़ा, क्योंकि बहुत कम लोग उस मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो टीवी पर सुनी हुई बातें या फिर चैनल पर, यूट्यूब चैनलों पर देखी हुई बातों पर ही वोट कर देते हैं। हम न्यूज़ देखते ही नहीं है, हम न्यूज़ देखते ही नहीं है कोई, क्योंकि न्यूज़ में आजकल कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टो में क्या अच्छा लगा आपको कांग्रेस? नौकरियाँ, और जो लेडीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सोच रही है कि इनको जो घर में बैठी हैं लेडीज़ जो नहीं कर पा रही काम, उनके लिए पैसे वगैरह फ्री के जो राशन पानी देना, हमें नहीं सही लगता क्योंकि फ्री का राशन पानी फ़ायदा ही नहीं है इसमें, तो सब लोग वो बैठ जाएंगे आराम से कि हमें तो फ्री का मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, क्या ज़रूरत है कमाने की? मेहनत करो, कमाओ, खाओ। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई राशन बांटने से अच्छा लोगों को सशक्त बनाए, उनको काम दो ताकि वो इस लायक बन जाए कि राशन खुद खरीद। जब बाहर हमारे देश के बच्चे बाहर जा रहे हैं काम करने, क्यों जा रहे हैं? हमारे देश में क्यों नहीं है वो चीज़? हमारा देश क्यों नहीं वैसा बन सकता जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा है? इंडिया सबसे अच्छा ग्रो अप कर रहा है, बाहर के देशों से हमारी इंडिया सबसे अच्छी है, हम ये बोल लेंगे, तो हमारी इंडिया क्यों नहीं कर रही? क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं रहें बच्चे, यहीं अपने माँ बाप के पास रहें, यहीं पढ़े लिखे, यहीं पढ़ाई करें। पढ़ाई का भी थोड़ा जो इतना बढ़ा रखे हैं उनका कम होना चाहिए। एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है। हाँ भाई, यही है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मुद्दा ही यही है। और जो ये है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालना चाहिए बस। दिल्ली वाले मतलब ये चर्चा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बाहर कर रहे हैं, जितने हैं सब करते हैं कि बाहर आना चाहिए उनको। बीजेपी ने तो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं सारी सड़कों पर कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी है। नहीं देखो, हो सकता उनको लग रहे हो, हम इतने पॉलिटिक्स में तो नहीं घुसे, जनता को नहीं लग रहे? नहीं, हमें नहीं लगा कुछ भी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र साहू। आपकी चर्चा चल रही है, मैं देख रहा था उधर से जी। इस बार अब चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार करेंगे इस बार। इंडिया अलायंस कह रहा है कि नहीं, इस बार हम रोक देंगे, इस बार कोई 400 पार वाली चक्कर है ही नहीं। ईस्ट वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत हैं और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है, कोई टक्कर है या यूं कहें कि नहीं भाई कोई टक्कर नहीं? सर, राजनीति है, टक्कर तो हमेशा रहती रहती है, लेकिन सत्ता की अगर बात करें तो जो अभी इस टाइम में चल रहा है, जिस तरह से पीछे भी नरेंद्र मोदी जी 2 बार आए थे, उस हिसाब से तीसरी बार भी अभी जो चांस लग रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के लग रहे हैं, क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, यही स्लोगन उन्होंने दिया था और उस चीज़ को प्रूफ भी किया है। तो अभी जो दिखाई दे रहा है, मेरे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बीजेपी की सरकार आनी है। पीछे अभी कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि ठीक है भाई राम मंदिर बना, 370 अटी, ये सब काम तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है पिछले 10 सालों में यूथ के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इसको लेकर ढंग से एड्रेस नहीं कर पाई। नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, कौन कहता है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है? आज के टाइम में अगर यूथ देखा जाए, कोई भी यूथ खाली नहीं है, कोई सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, कोई यूट्यूब चला के पैसा कमा रहा है, बहुत बतेरे सोर्स ऑफ इनकम्स आ गए हैं आज के टाइम में जो यूथ पैसा कमा रहा है। कोई भी यूथ भूखा नहीं मर रहा मेरे हिसाब से। अब कोई कहता है यूथ मर रहा हो तो शायद उनके नज़रिए में मर रहा हो, यही तो है ना। और इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि पेपर कंडक्ट होते हैं, पेपर कंडक्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन होता क्या है कि एक कैंडिडेट जो है उस पेपर की तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद जब वो पेपर देने जाता है तो पता लगता है पेपर ही लीक हो गया, तो उसका जो साल है वो ख़राब होता है, और कहीं ना कहीं क्या पता उस कैंडिडेट का वो आखिरी ही साल हो, उसके बाद वो इनएलिजिबल हो जाता है। सर, इस बारे में मुझे लीकेज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप और हमारे या मेरे टाइम पे नहीं तो आपके टाइम की अगर मैं बात करूं, आपके टाइम पे एजुकेशन को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, जिस हिसाब से जो है जो सीट्स होती थी उसके हिसाब से जो कैंडिडेट होते थे वो लिमिटेड होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से यूथ जो है एजुकेट हो रहा है और कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, कैंडिडेट बढ़ने का विजन ही यही है कि इसका मतलब अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है। मैं वही कह रहा हूँ, जो सीट लिमिटेड भी है वो लीक होने की वजह से वो भी जो नौकरियां हैं वो भी नहीं मिल पाती। सर, ये तो गलत है, देखिए लीक नहीं होना चाहिए, बाकी लीकेज के क्षेत्र में भी मेरे को नहीं है, स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो जरूरी है ना, अगर कैंडिडेट मेहनत करके जा रहा है और पेपर पूरा लीक हो रहा है तो उसकी तो मेहनत खराब हो गई ना, उसका साल खराब हो गया, वो आगे क्या करेगा फिर? 10 में से कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल? सर, 10 में से 10 देना चाहूंगा। 10 में से 10 डेफिनेटली। ठीक, क्या हाल है गार्ड साहब? बढ़िया सर, ठीक चल रहा है सब? सही चल रहा है। चुनाव आ गए हैं, इंडिया अलायंस या बीजेपी? अब ये यार बीजेपी या इंडिया अलायंस भैया, हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते ज्यादातर, समझे? चक्कर में तो पड़ना पड़ेगा, जिसे वोट देना, बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, सरकार बनाएंगी, जिसे वोट देना देना है। अब क्या बताएं आपको? अच्छा, 10 साल का काम कैसा रहा मोदी जी का?
सही रहा जैसा भी रहा और क्या। कैसा रहा क्या यार सही यार बूझो तो गरीब तो वही है जहाँ का और कुचल गया था। अच्छा हाँ जी गरीब का भला नहीं हुआ कुछ? क्या हुआ है क्या हुआ? नौकरी वोकरी बेरोजगारी 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 तो है बिल्कुल और महंगाई था हद से ज्यादा मुद्दे है ये महंगाई बेरोजगारी फिर। अच्छा है क्या ये जो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल ये तो अंदर चले गए हैं इनकी पार्टी के कैंडिडेट हैं महाबल मिश्रा यहाँ से कुछ कर पाएंगे? अब ये तो भाई ये पब्लिक जाने क्या कर पाएंगे। अंदर भेजे गलत किया सही किया? अब ये भी नेता ही लोग जाने कोई तो कहता है समझा देते कि भाई झूठ झाटा घोटाला है घोटाला करने वाला कोई और अंदर भेज दिया उसको केजरीवाल को। अच्छा अरे कहाँ जा रहे हो? एक दो तीन चार पाँच छः बहुत वजन है। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे। सुनील कुमार क्या कह रहे हैं इंडिया अलायंस आएगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नरेंद्र हाँ जी। क्या कारण है? बहुत काम करते हैं सर। कोई काम बताओ लोगों को दो काम कोई ऐसे बताओ लोगों को जो यूं कहें कि हाँ भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर हमारे लिए तो बहुत काम बढ़िया कर रखे हैं तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया दो काम सर बहुत धंधा पानी सब चीज़ के लिए धंधा के लिए बहुत अच्छा कर रखे हैं। अच्छा, रोजगार? हाँ जी ठीक 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 हाँ जी। अच्छा मतलब रोजगार दिया हुआ है आपको ये बोतल बोतल जो है आप जा रहे हैं काम कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है। दूसरा? दूसरा में देखिए गरीबों के लिए साथ देते हैं बहुत। हाँ जी क्या साथ दिया? बहुत चीज़ से दिए हैं गरीबों के लिए जहाँ दिक्कत होती है वहाँ हर एक चीज़ में साथ देते हैं। वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके का साथ? जैसे गरीबों के लिए गैस सिलेंडर हो गया खाना जिसके घर पर उज्ज्वला योजना की हाँ जी हाँ जी सब चीज़ में व्यवस्था करते हैं जी ठीक है। हाँ जी अच्छा ये जो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री हैं ये अंदर हैं इनकी पार्टी का भी कुछ है क्या? उनके पार्टी का तो मेरे को जानकारी नहीं है सर। हाँ कैसे मुख्यमंत्री थे वो तो अभी बढ़िया है मतलब अभी भी है? हाँ जी हैं तो अभी बढ़िया हैं जो कर हाँ जी अभी अभी काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर। राहुल गांधी उनके बारे में तो मैं जानते हैं सर तो जानते नहीं हमने नहीं देश घूम लिया उन्होंने न्याय यात्रा कर करके महिलाओं की मुझे राय चाहिए थी। 2024 के जो चुनाव हैं वो अब दिल्ली में भी वोट डाले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं सरकार में किस तरीके का कामकाज रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन 10 सालों में? मैं तो बहुत अच्छा कहूँगी और आगे भी उनको ही आना चाहिए उनकी सरकार ही आनी चाहिए मैं तो उन्हीं को वोट दूंगी। कोई ऐसे तीन काम प्रधानमंत्री के आप बताना चाहें जो लगे कि हाँ उनको वोट करना? राम मंदिर का ही है कि जो राम मंदिर बना वो अभी तक किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर पाया उनकी सरकार में। हाँ जी हाँ जी वो बहुत बड़ा रोल ला जो कि हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है तो सबसे पहला तो वो और दूसरा कि बहुत कुछ चीज़ें हैं मेरे को खुद अभी याद नहीं होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वोट देना चाहते हैं। एक राम मंदिर हो गया कुछ लोग जिक्र करते हैं भाई 370 हटा के भी ठीक किया। जी 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 एक वो भी है ठीक है और महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी गैस फ्री दे रहे हैं कहीं जगह कहीं गांवों में अभी वॉशरूम्स बनवाए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम सडन याद नहीं आ रहा। ये जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इनके काम को कैसे देखती है? मैं तो नेगेटिव देखती हूँ बाकी तो दूसरों का नहीं पता मैं तो बहुत नेगेटिव देखती हूँ। कारण है जैसे अभी कैसे नहीं बता पाऊंगी अरविंद केजरीवाल ये बता देंगे। अच्छा ठीक है चलिए वो तो पहले से ही मुंह मोड़ लिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है चुनाव आ गए हैं अब दिल्ली वालों को फिर से वोट डालनी है। 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की ये वाली सीट वेस्ट सीट है यहाँ से बीजेपी से कमलजीत सहरावत हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से महाबल मिश्रा हैं चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है इस बार टक्कर है इंडिया अलायंस और बीजेपी की या यूं कहें कि नहीं बीजेपी इस बार आराम से ले जाएगी? सर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्या कारण जी? सर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीज़ें करी है जैसे राम मंदिर हो गया जैसे मैम ने बताया अभी और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करा है नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीज़ें और क्या बोलते हैं कि जैसे आर्मी वगैरह के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं राइट जॉब्स वगैरह के लिए भी पहले ऐसा होता था कि कई लोग नहीं कर पाते थे जॉब्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी लेकिन अब ऐसा है कि बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं सबके लिए दैट्स वाई। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी
थोड़ी कम हुई है, पहले से कम हुई है मे बी। अच्छा, पहले से कम हुई है। यस सर। ठीक है, 10 में से कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री? सर 10 में से 10 नंबर दूंगी मैं तो। और ये जो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, हाँ जी सर, ये अंदर हैं अब शराब घोटाले में? बीजेपी कह रही है कि भाई शराब घोटाला हुआ है इसलिए अंदर कर दिया है। बीजेपी ने पोस्टर भी लगाए हैं तमाम सड़कों पर कि एक तरफ बोला गया है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले, एक तरफ बोला है कि भ्रष्टाचारियों को हटाने वाले। सर वो अंदर हुए तो उनकी कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने करा होगा कोई घोटाला तभी वो अंदर हुए, विदाउट किसी भी एलिगेशन के वो अंदर नहीं होते, राइट? तो फिर इसी वजह से मैं उनको हेट करती हूँ बिकॉज उन्होंने अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं करा है। हाँ मानती हूँ कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए या ये सब कर दिया है, लेकिन कुछ अच्छा तो नहीं करा है ना। आपकी पार्टी तो कहती है कि एजुकेशन सेक्टर में हमने तो स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर, गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो ना, ये सिर्फ दिखावा होता है सर वो सिर्फ दिखावा होता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सिर्फ सब दिखावा होता है, पीछे काम और होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो हम जानते हैं भरोसे से, कुछ नहीं होता है, सब दिखावा। ठीक है, शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं आगे। We'll be right back.